आज हम पूरे भारत के समक्ष अपनी वार्ता रखना चाहते हैं कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में कि कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकरा से बचे और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी। हम आशा करके ही भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे। हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी कि हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं, हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने, हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं, हरियाणा के हर गांव के किसानों को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा, बोला जा रहा आपका बेटा MBBS कर रहा उसे करने नहीं देंगे, आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे, आपका घर भाई नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे। तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है, जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है। और देखिए आप पंजाब हरियाणा किसे भारत के दो राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं जो हमें जो नजर आ रहा है। अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं इससे लोगों को तकलीफ होती, हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे, आज भी नहीं कह रहे हैं कि हम कहा रोड रोकेंगे। अब तो सरकार ने स्वयं रोड रोक रखी है पिछले 2-3 दिन से, और जो वो दिखा रहे हैं कॉन्क्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में, मुझे बता हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं उसको देश का पेट भरते हैं, और इन्होंने हमारे लिए जो है किल्लों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया, आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए, आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग, उनकी एक और थी आगू की उसको बालों से जैसे खींचा गया उसके सर पर चोट लगी, हम फिर आपसे वार्ता करने गए, आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे से टिकटे ली हुई थी उनको रेस्ट कर लिया, आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे, क्यों पहुंचे? हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए, पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा पर कुछ लगा नहीं, उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए, हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल, फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे। हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है, अजय लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है जो हमने देखा। देखिए सीधी सी बात बहुत आसान बात है, MSP खरीद की गारंटी का कानून वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं, हमने सीधी सी बात CACP एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता, वो सारी डिटेल्स ले लेता है, वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है, हर 6 महीने बाद गेहूं हो धान हो और चीजें हो उनके ऊपर वो MSP का अनाउंस करते हैं, कुछ 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 फसलें तो खरीदी जाती हैं कुछ नहीं खरीदी। हमने कहा आपने कुछ नहीं करना, ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दे भी आपकी मंडी में MSP से नीचे बिकेगी नहीं। अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए, हमने बोला इस पे तर्क दीजिए, इस पे कमेटी बनाने की जरूरत है ही नहीं है, तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था, आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी बोला मान जो प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था MSP गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है, और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2+50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे, उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो PL डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना और निर्णय किया कि MSP से नीचे किसान की फसल खरीदी
नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा, हमने कहा आपने दो साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो दो साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई, ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए भी हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग च असी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहां बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से, सरकार गोली मारे लाठी बरसाए सहेंगे दिल पर, ठीक है, आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है, वो हमारे अक्ष को से, हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती, हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई है, हम कोई लेफ्ट नहीं है। हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया, उन्होंने 200 गलतियां की, वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया। हम किसी के पक्ष वाले नहीं है, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी हैं। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी, उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है जिस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है। सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। तो ये हमारी बात सी, और मैं हुण पंजाबी च कह देना चाहना भी देखो भराओ, पंजाबी ते हरियाणा मीडिया, मैं सारा मीडिया कहना चंगा, कोई माड़ा नहीं हैगा, अपने बंदे जरूर मीडिया ना जरा सहयोग करन, जड़ी ओदे विच साडे बंदे मीडिया ना टकरा वाली गल च ना आउण, साडी जड़ी बेनती है, साडे नौजवान साडे किसान मजदूर किते भी पड़काहट च ना आउण। गुरु साहब दी सारी उमर उन्होंने बड़ा बड़ा उपदेश दिता, जंगा लड़िया, किते भी हौसला नहीं खोया, किते भी पड़काहट च नहीं आए, अखीर तक गलबात हुंदी रही, खीर तक असी गल सुनते रहे, असी टकरा वाले पासे नहीं जाना चाहते। तो ठीक है, साडा मुहिम है, साडा फैसला वा कि असी साडी सरकार ने गल नहीं सुनी हैगी, असी हुण अगे वधना हैगा। तो इस करके फिर सारे मीडिया नूं, पंजाब दा मीडिया विशेष करके, हरियाणे दा मीडिया, ये पूरा सहयोगी है सारा मीडिया, दूसरा भी है। देखो ये मौके दीआं गल्लां ने, की मौके दीआं परिस्थितियां बनदीआं ने, किहो जे मौके दे फैसले लैणे पैंदे ने, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ SKM ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਕੋਈ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ,
ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਸ ਦਸ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸ ਦਸ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਵਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ 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 ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਆ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹਮਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਵੀ ਉਠਾਈ ਥੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਤ, ਹਮਨੇ ਦੋ ਦਫਾ ਜਾ ਕਰ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੇ, ਦੋ ਦਫਾ ਹਮ ਚਲ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਤੱਕ, ਹਮਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪਰ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਵੋ ਸਭ ਕਮੇਟੀਓ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੋਰਮ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਓ ਕੋ ਬੜਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਚਰਚਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਜੋ 120 ਬੀ ਕਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਕਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਤੋ ਵੋ ਉਸ ਪੇ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਤ ਪੇ ਉਨਕੋ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨੋ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਕੇ ਹੱਕ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਬੜਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਜਬ ਹਮਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਚਰਚਾ ਕੀ ਬਾਤ ਆਜ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ MSP ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਕਾ ਕਹੀਂ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀਂ ਸੰਸਦੀਯ ਸਤਰ ਬੁਲਾਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਮਨੇ ਕੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਕਿ ਜਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਕਾਫਲਾ ਚਲਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਸਾਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ ਗਿਆ ਥਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਥੇ, ਲਗਭਗ 600 ਸੇ ਉੱਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਥੀ, ਆਜ 1000 ਟਰਾਲੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਬੱਧ, ਔਰ ਕਹੀਂ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਸੇ ਮੈਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਥਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਯੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਂਗੇ ਕੋਰਟ, ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਇਸਮੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਂ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਹਾਂ PI ਡਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿਆ ਥਾ, ਹਮੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਾ, ਔਰ ਅਬ ਹਮ ਲੋਗੋ ਕੋ ਕਹੀਂ ਵੀ ਲੂਪ ਮੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਮ ਲੋਗੋ ਸੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 14 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ MSP ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ MSP ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਓ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਬਤਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜੇ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ
ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆ ਜਾਣ, ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਮਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? देखिए, अभी इसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा। मौके की परिस्थितियां किस तरह की होगी, क्या निर्णय लेने पड़ेंगे, ये मौका बताएगा। पटेल साहब ये बताइए, आप गुरनाम और बातचीत की जा रही है, कोई बातचीत करने आया क्या? देखिए बातचीत हो रही है, बातचीत के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दोरे नहीं है। हाँ, रास्ता खुला हुआ। हाँ, बातचीत से सरकार निकालना कुछ नहीं चाहती, आंदोलन को टालना चाहती है। पंडित साहब ये मान के चले, इस बार पंडित साहब ये मान के चले कि गुरनाम चडूनी राकेश टिकैत इस आंदोलन में नहीं दिखेंगे? सभी दिखेंगे। देख लीजिए, आप आंदोलन की मांगों के ऊपर कंसल्टेशन करिए, ठीक है, ये देश के हित में होगा, किसान मजदूर के हित में होगा। देखिए, तो आप इन्वाइट करते हैं? मैं ना, सभी आएंगे, सभी को इन्वाइट किया हुआ, किसी को एनी भी नहीं किया हुआ। पिछली बार पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं ली गई थी, किसी पॉलिटिकल लीडर नु अलाउड नहीं किया गया थी। इस बार अगर कोई पार्टी पॉलिटिकल सपोर्ट दिंदी है या फिर थोड़े आंदोलन च आना चाहती है तो वो आ सकती है, नहीं आ सकती, की सिनेरियो है? सपोर्ट कोई जड़ा मर्जी करे, उदा की रौला। असी आप दी स्टेज ते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी नु बोलन नहीं देंगे। सपोर्टरां बारे साडी अड पहुंच होगी, कोई बाहर आके थले जो मर्जी करता रहे उदे की रौला है, ठीक है। अपनी पोजीशन वेखे, जे लोग विरोध करते हैं, साडी स्टेज तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलूगी, ठीक है। हम तो जो भाजपा समर्थित किसान और खेत मजदूर है उनको भी बोलना चाहेंगे। आप वोट चाहे तो भाजपा को दीजिए, जब किसान और खेत मजदूर की बात आ रही तो हमारे साथ खड़ी है, हम आपके मांगों के लिए लड़ने जा रहे हैं। आप ये बताइए, मीटिंग हुई है उसके नजरिया की निकलिया, क्योंकि एक पंजाबी की कहावत है कि दाइया तो ढड्डे नहीं लुकते होंगे, केंद्रीय मंत्रियों का जो नजरिया है उसके की वेख्या कि आंदोलन होगा या कि ना कि आगामी चोणा लैके सब कुछ टाल मटोल से भी होगा? देखो, सिर्फ नजरिया ऐसी भी आंदोलन किवें टल जाए, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪੂਰਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘੰਟੇ ਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਾਤਚੀਤ ਸੇ ਮਸਲੇ ਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ। ਹਮਨੇ ਪੂਰੀ ਉਨਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਕਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਬਤਾਈਏ, ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਵੋ ਸਭ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਪਹੁੰਚੇਂਗੇ? आप कह रहे शंभू बॉर्डर हरियाणा अंबाला की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं उनको भी सील किया हुआ है, जिसका क्या उसको अंबाला की साइड से वापस शंभू? देखिए देन साडे लोग कोई वीरे टकरा नहीं होगा, तुसी नाल होना, सरकार गोलियां मारे डांगा चलावे, सरकार टकरा कर रही है, असी नहीं टकरा करेंगे। आप ये बताइए, आपने कहा सबको इनविटेशन है, राकेश टिकैत को, गुरनाम चडूनी को, मैं बोल रहा हूँ, आप पर्सनल किसी के नाम ले रहे, मैं बोल रहा हूँ, देश हित में लड़ाई है, देश के किसान मजदूर के लिए लड़ाई, जो आ जाए, किसी को नाम नहीं करते हम।